नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि आपको पता है, हमारा ये चैनल आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयासरत है। हम आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित कम से कम 5 और उससे अधिक जितने भी हों, आपको वो वाले क्वेश्चंस या प्रश्न हम आपको उपलब्ध कराते हैं जो आगामी परीक्षाओं के नज़रिए से एकदम सही हैं, जो आने की संभावना उनमें बनती है। और इसमें हम आपको डेली होने वाले फेरबदल के साथ में हम आपको इसे अपडेट करवाते हैं और आपको ये प्रश्न हम करवाते हैं। इसी के साथ में आज 8 अप्रैल की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को ना तो कोई राष्ट्रीय दिवस है ना कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं भारत से संबंधित, मतलब कि कहें राष्ट्रीय घटनाएं जरूर हैं। और वो राष्ट्रीय घटनाएं क्या क्या हैं, देखिए। सबसे पहले मंगल पांडे का शहीदी दिवस है आज 8 अप्रैल। देखिए, आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि मंगल पांडे कौन थे, तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत जो माने जाते हैं वो मंगल पांडे माने जाते हैं। और जो मंगल पांडे थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक इन्फेंट्री थी, एक 34वीं, मतलब 34 बंगाल नेटिव एक इन्फेंट्री थी, उसमें ये एक सिपाही के पद पर काम करते थे। और इनकी जो उस समय जब इनको फांसी हुई तो उस समय ये बैरकपुर नाम एक छावनी थी, उसमें कार्यरत थे, बैरकपुर की छावनी में। और जो मंगल पांडे थे, इनका जन्म आज के जो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। और अब आपको मैं इसकी जानकारी देता हुआ थोड़ा सा ये बता दूँ कि जो मंगल पांडे थे, इनको आज के दिन फांसी क्यों हुई थी, मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया था। तो मंगल पांडे ने जो अपने इनके जो अधिकारी थे, मतलब पुलिस के अधिकारी थे, एक जिसका नाम है हुसैन नाम से था, हयुशन नाम के एक अधिकारी थे, उनकी इन्होंने हत्या कर दी थी। और इसके बाद में इन पर मुकदमा चला गया हत्या का और सेना अनुशासन भंग का, और उसके अंतर्गत इनको आज के दिन, मतलब 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। देखिए, इनको जो ये फांसी होनी थी, ये होनी थी 18 अप्रैल को, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई इनकी फांसी से और ज़्यादा, मतलब आक्रोश आ रहा है, जो इनकी इन्फेंट्री थी या जो इनकी सैनिक टुकड़ियाँ थी उनमें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी जो फांसी थी उसको 11 दिन पहले ही, मतलब 8 अप्रैल को दे दी गई इनको फांसी। इसके बाद अगर हम आज के दूसरे दिन की बात करें तो आज ही के दिन केंद्रीय असेंबली जो थी उस दिल्ली में, उसमें बम फेंका गया था। और उसमें जो बम फेंका था वो फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा। और आप जैसा कि जानते हैं कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और एक इनके साथ में थे राजगुरु, ये बहुत ही, मतलब तीनों बहुत ही फेमस क्रांतिकारी हैं। आज भी इनको रियल हीरो के नाम से जाना जाता है और भगत सिंह को तो शहीदे आजम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी और ये फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और उसको चूम लिया। मतलब लोगों को डर लगता है फांसी से, लेकिन इन्होंने उसे चूमा। तो ये बहुत ही जिंदा दिली और दिलदार क्रांतिकारी थे। और अगर हम इसकी बात करें तो जो भगत सिंह के साथ में जो राजगुरु थे, इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स नाम के, उनकी इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी।
और जॉन सैंडर्स की हत्या करी थी। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस टाइम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो जो लाला जी थे उनकी सैंडर्स की लाठी की चोट से उनकी हत्या हो गई थी। और उस समय इन्होंने भगत सिंह ने कसम खाई थी कि जब तक मैं सैंडर्स को ख़त्म नहीं कर दूंगा, ये कल मैंने अपने पिछले चैप्टर में बताया है। और इन्होंने कहा था कि जब तक मैं सैंडर्स को ख़त्म नहीं कर दूंगा, जब तक लाला जी की मौत को शांति नहीं मिलेगी। तो इसके चलते इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और जो सैंडर्स की इन्होंने हत्या करी थी, उस जो इन्होंने पिस्तौल ली थी, उस पिस्तौल के बारे में हमेशा यूपीएससी और रेलवे और एसएससी जो सीजीएल एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी मतलब बीए लेवल के, उनमें ये पूछा जाता है कि जो भगत सिंह ने जिस रिवॉल्वर से सैंडर्स की हत्या करी थी, उस रिवॉल्वर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, उस रिवॉल्वर का नाम रहेगा 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल थी और कोल्ट पिस्तौल थी ये। 32 मिलीमीटर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, कोल्ट पिस्तौल थी, उससे इसकी हत्या की थी। और इसके बाद में असेंबली में बम फेंकने का इन पर आरोप लगा। और उस आरोप में, हालांकि जब इन्होंने बम फेंका था असेंबली में, उसमें इनका मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत की ओर खींचना था, आज़ादी की ओर खींचना था। तो इनको इस आरोप में इनको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद में इनको आजीवन कारावास की इसमें सज़ा सुनाई गई। और बाद में इन पर एक और मुकदमा चला, और उस मुकदमे को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री के अंदर। उस लाहौर षड्यंत्र केस के सुनवाई के चलते इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। और जो इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, वो दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगर आज ही के दिन की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी का निर्वाण दिवस है आज, मतलब कि इनकी डेथ हो गई थी तो आज इनका निर्वाण हुआ था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत फेमस शख्सियत हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी 1876 के आसपास डिप्टी कलेक्टर थे बंगाल में। एक जगह थी, छोटा सा परगना था, वहाँ पर ये डिप्टी कलेक्टर थे। और डिप्टी कलेक्टर रहते हुए इन्होंने एक फरमान निकाला था, जहाँ के ये डिप्टी कलेक्टर थे, कि भाई इनके क्षेत्र में, जो इनका कार्य क्षेत्र था, उस क्षेत्र में कोई भी सरकारी कार्यक्रमों में, जो अंग्रेजी गाना चलता था उस टाइम सेव द क्वीन नाम से, उस सेव द क्वीन का इन्होंने विरोध किया और उन्होंने मना कर दिया कि इसको सरकारी कार्यक्रमों में नहीं गाना गाया जाएगा, बल्कि वंदे मातरम स्वदेशी गीत गाया जाएगा। तो इन्होंने 1876 में वंदे मातरम जो गीत है, उसकी रचना के जो जो दो मुख्य जो कड़िया थी, उनको सारे सरकारी कार्यक्रमों में, जो आज भी सरकारी स्कूलों में गाई जाती है ना, वही वाली सरकारी स्कूलों में जो वंदे मातरम की दो कड़िया अंतरे गाए जाते हैं, उनको ही इन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य कर दिया था। और इसी के साथ देखिए, ये जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय गीत है, इसके रचनाकार हैं, रचनाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इनके द्वारा जो वंदे मातरम गीत लिखा गया है, ये संस्कृत और बांग्ला, मतलब जो बंगाली भाषा है उसमें ये लिखा गया है, बांग्ला भाषा में। और इसी के साथ में ही अगर मैं आपको बताऊं तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 का, ये मैंने कांग्रेस के अधिवेशन का वाला चैप्टर आपको करा रखा है, उसमें आप पढ़िएगा। जो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन, जो कलकत्ता अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें इन्होंने पहली बार, मतलब कांग्रेस ने पहली बार इसको गाया और इसको अपनाया था। तो राष्ट्रीय जो गीत था उसको अपनाया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी, वो करी थी रहीम तुल्ला मोहम्मद साहनी के द्वारा। अच्छा, अब आपको एक विशेष फैक्ट बताएंगे हम यहाँ पर वंदे मातरम से संबंधित, कि जो वंदे मातरम गीत था ना, इसकी
जो 1875 में जाकर ये पूरा हुआ था, और इसको निर्माण में करीबन 5 साल का समय लगा। और जो वंदे मातरम गीत है, इसमें कुल 8 अंतरे, या कहें 8 8 कड़ियां हैं, ठीक है। और 8 कड़ियों के साथ में इसे 7 नवंबर 1875 को पूरा किया गया। अब फ्रेंड्स, हम आगे चलते हुए और आज बात कर लेते हैं अपने मोटिवेशन कोड की। और जो आज का मोटिवेशन कोड है, देखिए, आपसे हम निवेदन कर रहे हैं बार बार कि आप हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर कमेंट भी करें। और कमेंट में जो आपको प्रेरणादायक जो मोटिवेशन कोड हो, जो आपको प्रेरणा देता हो, या आपने अपने जीवन में उतारा हो, या आपको किसी के शिक्षा किसी आपके शिक्षक या किसी आपके बुजुर्ग बड़े के द्वारा आपको कोई ऐसी प्रेरणादायक लाइन बताई गई हो, उन पंक्तियों को आप हमसे शेयर करें। और उन पंक्तियों को शेयर करने के बाद में हम आपकी उन प्रेरणादायक पंक्तियों को या मोटिवेशनल कोट को हम अपने इसमें शामिल करते हैं। जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, हम उसी को ही शामिल करेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कि पिछले 2 वीडियो में अंजलि चौहान जी का एक मोटिवेशन कोड आया था, बहुत अच्छा आया था। इससे पहले नीतू जैन जी का भी एक मोटिवेशनल कोड आया था। तो इस तरह से आप मोटिवेशनल कोडों को आप यहाँ पर लिखा करें। और जो आज का मोटिवेशनल कोड है वो है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। तो देखिए, जो बुरी बातें होती हैं ना, उनको आप बिना सोचे समझे उसको आप हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, आपकी फीड मेमोरी हो जाती है। लेकिन अच्छी किताबें या अच्छे लोगों की जब आप संपर्क में आते हैं ना, तो वो आपको मतलब तुरंत आप उनके संपर्क में जाते तो आपको अटपटा लगता है, कहते यार बड़ा बेकार आदमी, ना तो बोलता है ना चालता है, इस तरह से आप बिहेव करने लग जाते हैं उनके लिए। लेकिन वो वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं, और उनको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आपने अपनी लाइफ के बहुत बेहतरीन हिस्सों को खो दिया है। तो इसलिए आपको उनको समझना पड़ेगा, टाइम देकर, समय देकर आपको उनको समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट हमारी टीम ने यहाँ पर चुना है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम को। इसके बाद में आज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8 अप्रैल में कौन से नए क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 8 अप्रैल में आज नए क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो इस प्रकार रहेंगे कि हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, जो उत्कल दिवस है भाई, हाल ही में इसको कब मनाया गया, तो जो उत्कल दिवस है उसको उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। और उड़ीसा दिवस कब मनाया गया, तो देखिए, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। आप कमेंट में हमें नीचे ईमानदारी से उत्तर देते रहेंगे, इसके कमेंट्स में आप इसके आंसर लगाएंगे। वैसे हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, अगर हम 1 अप्रैल के अलावा अन्य डेज की बात कर लें, तो इसमें 6 अप्रैल, जो कि 6 अप्रैल दिया गया है। इसके अलावा आपको 4 अप्रैल दिया गया है। इसके अलावा आपको 5 अप्रैल दिया गया है। तो अगर हम 6 अप्रैल की बात करें, तो फ्रेंड्स, 6 अप्रैल को आपका यूएन का खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था या बनाया गया था। अगर हम अगले डे की बात करें, तो अगला डे रहेगा 4 अप्रैल। और जैसा कि आप जानते हैं, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस बनाया गया था। और ये जो खदान जागरूकता दिवस है, ये खान में काम करने वाले व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए मनाया जाता है। और ये भी यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और अगर हम अगले ऑप्शन 5 अप्रैल की बात करें, तो फ्रेंड्स, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का पहला जहाज, पानी का जहाज, इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था। मतलब पहला यात्री जहाज 5 अप्रैल को चला था भारत से इंग्लैंड के लिए। इसकी खुशी में इस 5 अप्रैल को बनाया जाता है। अगर हम अगला क्वेश्चन देख लें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल ही में
किसके द्वारा ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की गई? हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स देखिए, जो ऑपरेशन संजीवनी है, इसकी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या CRPF किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो शुरुआत है फ्रेंड्स, वो आपके की गई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इससे संबंधित आपको हम बता देते हैं, एक फोटो दिखा देते हैं कि ऑपरेशन संजीवनी में आप देख रहे हैं भारत मालदीव संबंध। तो भारत और मालदीव के बीच में इस ऑपरेशन को लागू किया गया है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य क्या है? तो देखिए, इस ऑपरेशन का लक्ष्य रहेगा कि जो COVID-19 महामारी चल रही है, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। और उस अभियान के अंतर्गत ये ट्रांसपोर्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये हवाई जहाज इंडियन एयरफोर्स का, इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब 6.2 जो टन आवश्यक जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जैसे कि दवाई, गोली, वेलेंटियर्स की बहुत कमी आई हुई है इस समय, वेलेंटियर्स और इससे संबंधित अन्य उपकरण, उनकी ये उपलब्धता कराएगा मालदीव को। अगर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर मालदीव की बात कर लें पहले, तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद यूले, और जो यहाँ की करेंसी बनेगी वो बनेगी आपकी मालदीव रुपया। मालदीव रुपया के साथ ही अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें, तो भारतीय वायुसेना के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं एयर मार्शल आर के भदौरिया, और ये आर के भदौरिया का पूरा नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आर के भदौरिया जी 26वें, मतलब 26वें नंबर के एयर मार्शल बने हैं। और जो वर्तमान में भारतीय एयरफोर्स के उप प्रमुख हैं वो हैं एयर मार्शल SS अरोड़ा। अगर हम एयरफोर्स के अन्य फैक्ट्स देखें, तो जो भारतीय एयरफोर्स है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूद है, और भारतीय एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और इसके अलावा अगर हम देख लें कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो 8 अक्टूबर, मतलब 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ये सेना दिवस मनाया जाता है। अगर इसी के साथ में अगर हम अपने अगले ऑप्शन की बात कर लें, तो अगला ऑप्शन दे रखा है भारतीय नौसेना। अगर भारतीय नौसेना की बात करें, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष बोलेंगे वो रहेंगे आपके, इसके भारतीय नौसेना या जल सेना भी बोलते हैं इसे, इसके जो वर्तमान जो प्रमुख हैं वो प्रमुख हैं इसके एडमिरल करमवीर सिंह। करमवीर सिंह इसके वर्तमान हेड हैं, और ये जो हैं ये 24वें नंबर के इसके प्रमुख बने हैं। और जो करमवीर सिंह है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है, करमवीर सिंह जी हैं उनको एक अन्य नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता है, और इनको द ग्रे ईगल के नाम से भी जाना जाता है। और जो मुंबई है उसमें नौसेना का मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई थी। और इसी के साथ ही नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को बनाया जाता है। अगर यहाँ नौसेना से संबंधित अगर फैक्ट देख लें, तो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट जो भारतीय एडमिरल, देखिए भारतीय एडमिरल जो भारतीय प्रमुख नौसेना के बने थे पहले, उनका नाम था RD कटारी, और इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था अप्रैल 1958 से जून 1962 तक। अगर फ्रेंड्स इसके अगले ऑप्शन की बात करें, तो इंडियन आर्मी इसमें दिखा रखा है, और जो इंडियन आर्मी है उसके जो वर्तमान अध्यक्ष या कहें हेड हैं या प्रमुख हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने, और ये 28वें नंबर के, कौन से नंबर के फ्रेंड्स, 28वें नंबर के ये आर्मी चीफ हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम इसकी उप प्रमुख की बात करें, इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन है,
तो एस के सैनी जी इसके उप प्रमुख हैं। और इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। और जो इसका इंडियन आर्मी का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 15 जनवरी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी का जो आदर्श वाक्य है फ्रेंड्स वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब खुद से पहले सेवा। और जो फर्स्ट भारतीय सेना अध्यक्ष बने थे वो बने थे जनरल राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ये याद आपको रखने के लिए, जो इंडियन नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। फर्स्ट भारतीय सेना अध्यक्ष बने थे जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा। और इनका जो कार्यकाल था वो रहा था 1 अप्रैल 1955 से 19 मई 1955 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके बाद में हम अदर ऑप्शन की बात करें तो सीआरपीएफ दे रखा है। ये जो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था उसमें सीआरपीएफ का मैंने आपको मोहंती साहब बताया था कि मोहंती साहब इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में या महानिदेशक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसको सही कर लेना। इसके जो वर्तमान सीआरपीएफ के जो नए अध्यक्ष या कहें महानिदेशक बने हैं वो एपी महेश्वरी जी बनाए गए हैं, तो इसको हम देखेंगे। देखिए इसके जो पहले सीआरपीएफ के जो राजीव रॉय भटनागर जी इसके सीआरपीएफ के महानिदेशक थे, लेकिन आरआर भटनागर जी का अब प्रमोशन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मुर्मू साहब उनको सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है, जिसके कारण ये पद खाली हो गया था। और हाल ही में इस पद पर जो नियुक्ति की है वो केंद्र सरकार ने एपी महेश्वरी जी की है। और जो सीआरपीएफ है इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और ये भारत का सबसे बड़ा पुलिस मतलब कहें कि केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल है। और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसमें जो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल होने के साथ में इसमें 246 मतलब 246 इसके अंदर बटालियन कार्य कर रही हैं। और इसका आदर्श वाक्य रहेगा सेवा व निष्ठा। और अगर आप सीआरपीएफ के अदर फैक्ट्स देखें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश में की गई थी। फ्रेंड्स ये एसएससी बार बार और रेलवे पूछता है कि सीआरपीएफ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मध्य प्रदेश में की गई थी। और इसका स्थापना दिवस 27 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया गया। और जो पिछले साल इसका स्थापना दिवस मना था वो 81वां मतलब 81वां स्थापना दिवस था। इसी के साथ फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल लगाई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या उत्तराखंड, आप हमें बताएंगे कमेंट्स करके फ्रेंड्स। और हम आपको बता रहे हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। देखिए अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के जो महानिदेशालय है, जो राज्य का पुलिस महानिदेशालय कार्यकाल कार्यालय है महानिदेशालय, उसमें इसको लगाया गया है। और यह टनल क्या काम करती है? तो यह टनल पूर्णतया जीवाणु रहित, या ये टनल का आप चित्र देख लीजिए, इस तरीके की टनल बनाई गई है। और यह सभी प्रकार के रोगाणुओं व कीटाणुओं को मार देती है। जब आप इसके अंदर से निकलेंगे तो आपको 20 सेकंड का समय इसके अंदर लेना होगा। और 20 सेकंड के अंदर ये आपके शरीर पर या कपड़ों पर मौजूद किसी भी प्रकार के वायरस को खत्म करने में सक्षम है। तो कोरोना का जो प्रभाव चल रहा है उस कोरोना के प्रभाव को देखते हुए ये टनल यहाँ पर तेलंगाना पुलिस महानिदेशालय में लगाई गई है। और ये यहाँ पर ही क्यों लगाई गई? क्योंकि पुलिस के जो ऑफिसर्स या कर्मचारी या जो सिपाही हैं उनको ज़्यादा
इस कोरोना का, कोरोना से प्रभावित होने का डर है, इसी के लिए उनको सेफ रखने के लिए ये यहाँ पर लगाई गई है। इसी के साथ ही अगर हम आपको अदर फैक्ट्स की बात करें तेलंगाना से, तो तेलंगाना के जो आपके मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे चंद्रशेखर राव, और इसके जो राज्यपाल हैं तेलंगाना के वो हैं तमिली साई सुंदर राजन, और इसके जो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे राघवेंद्र सिंह चौहान। और देखिए तेलंगाना की जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 17, राज्यसभा सीट हैं 7 और विधानसभा सीट 119। राजधानी आपकी बनेगी हैदराबाद, और तेलंगाना भारत का एक नया राज्य बना है, और इस राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। और अगर आपको अभी तक नहीं पता होगा, हम आपको बता दें राज्य जो नृत्य है तेलंगाना का वो है पेरिनी डंडावन, पेरिनी डंडावन यहाँ का राज्य नृत्य है फ्रेंड्स। और अगर तेलंगाना के एक सबसे महत्वपूर्ण अगर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखें, तो अभी तेलंगाना ने हाल ही में वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है, ये आप यहाँ याद रखेंगे फ्रेंड्स। और अगर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगर अगला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड देने की घोषणा की है, तो आप हमें बताएंगे ऑप्शंस विराट कोहली, सोनम कपूर, जोकिन फिनिक्स या नवीन पटनायक। तो देखिए पेटा इंडिया ने हाल ही में नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं को हीरो टू एनिमल अवार्ड देने की घोषणा की है, और ये क्यों की गई है ये घोषणा, इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया नवीन पटनायक जी ने, तो नवीन पटनायक जी ने कोरोना जो महामारी है इसका जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन के चलते इन्होंने पशु पक्षियों के लिए स्पेशल एक फंड आवंटित किया था, राशि मतलब रुपये का फंड आवंटित किया था, और उसमें जो राशि दी गई थी वो दी गई थी 54 लाख रुपये, 54 लाख रुपये की इन्होंने राशि आवंटित कर कर पशु पक्षियों के भोजन और पानी की व्यवस्था कराई है, और इसी के चलते पेटा इंडिया ने इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात कर ले फ्रेंड्स, तो विराट कोहली 2019 का इन्हें पेटा इंडिया की तरफ से द पर्सन ईयर अवार्ड दिया गया था। और अगर इसी के साथ में अगर हम फ्रेंड्स अगर अदर ऑप्शन की बात करेंगे सोनम कपूर, तो सोनम कपूर को भी 2018 का द पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार पेटा इंडिया की तरफ से दिया गया था। अब इसमें अदर ऑप्शन है जोकिन फिनिक्स, ये जोकिन फिनिक्स वही हैं जिन्होंने ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता था, और इनकी फिल्म थी जोकर, और जो फिनिक्स साहब हैं इनको पैटा का ग्लोबल ग्लोबल अवार्ड मिला था, और जो ग्लोबल अवार्ड था वो था द पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल अवार्ड, मतलब पूरे विश्व का इनको अवार्ड दिया गया था। और फ्रेंड्स अगर हम पेटा की बात करें तो पेटा क्या है, तो जैसा कि आपको हम फोटो उपलब्ध करवा रहे हैं पेटा इंडिया, इसमें नीचे इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, तो आप देखिएगा पेटा इंडिया की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी पीपल ऑफ एथिकल पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और इसका जो मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो आपके अमेरिका के वर्जीना में हैं, और इसके जो वर्तमान हेड हैं वो हैं एनग्रिड न्यूक्रे, एनग्रिड न्यूक्रे इसके वर्तमान हेड हैं, और इसकी स्थापना 22 मार्च 1980 को की गई थी, और इसकी 150 पेटा, जैसे पेटा इंडिया में पेटा की संस्था है पेटा इंडिया, इसी तरह से इसकी लगभग
विश्व में 120 के समथिंग अलग अलग देशों में इसकी संस्था कार्य कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था पेटा इंडिया के संबंध में कुछ फैक्ट्स। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस खिलाड़ी को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉप ऑफ द फैम के सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो कॉम्ब्रे ब्रायंट, एलिस्टर कुक, टाइगर वुड्स या सचिन तेंदुलकर? तो फ्रेंड्स, आप ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे। हम आपको यहाँ बता देते हैं कि कॉम्ब्रे ब्रायंट यूएसए के, मतलब अमेरिका के, एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनका कुछ समय पहले, मतलब 2019 में, इनका निधन हो गया था। आपको हम फोटो उपलब्ध करवाएंगे, देखेंगे। इनके हाथ में बास्केटबॉल भी आप देख सकते हैं। और जो ये महान शख्सियत दिख रही है, इनका नाम ही कॉम्ब्रे ब्रायंट था। और 2019 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके साथ ही इनकी एक 13 वर्षीय बेटी थी। आप देख सकते हैं, हमने आपको फोटो उपलब्ध करा रखी है। इनकी ये 13 वर्षीय बेटी थी, इसकी भी इन्हीं के साथ में डेथ हो गई थी। और ये प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। और ये पहले मरणोपरांत ऐसे व्यक्ति भी बन गए हैं जो कि इस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। अब अगर इनकी हम बात कर लें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करेंगे तो अदर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा एलिस्टर कुक। तो एलिस्टर कुक कौन थी? तो ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। एलिस्टर कुक इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और इन्हें हाल ही में नाइटहुड की उपाधि मिली है। इंग्लैंड से इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को भी दी गई थी, जिन्होंने 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में इसको वापस कर दिया था। सर और नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड से दी जाती है, याद रखना। और फ्रेंड्स, इसके अलावा टाइगर वुड्स कौन है? तो टाइगर वुड्स को तो आप सभी जानते होंगे। वुड्स महान गोल्फर हैं और ये यूएसए के प्रसिद्ध गोल्फर के रूप में जाने जाते हैं। और कुछ समय पहले ही इन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम अवार्ड इन्हें दिया गया था ट्रंप साहब के द्वारा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका अति महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसी के साथ में सचिन तेंदुलकर कौन है? तो आप याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर आईआईसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल छठवें भारतीय क्रिकेटर हैं। इससे पहले 5 क्रिकेटर इसमें शामिल हो चुके हैं। और अगर हम 5 क्रिकेटरों की बात करें तो पहले नंबर पर रहेंगे अनिल कुंबले, दूसरे नंबर पर रहेंगे सुनील गावस्कर, और तीसरे नंबर पर रहेंगे आपके कपिल देव, और इसके अलावा चौथे नंबर पर रहेंगे क्रिकेटर वीसन सिंह वेदी, और आपके इसके अलावा राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ के बाद में सचिन सचिन तेंदुलकर जी का नंबर आता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ में आप एक बार हमारा जो चैनल है उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, और मोटिवेशनल कोड भी आप उस पर लिख दें जिससे कल आपके मोटिवेशनल कोड को शामिल किया जाए। और इसी के साथ हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में 3 बार के ग्रेमी अवार्ड विजेता विल वीदर का निधन हो गया है और ये किस देश के रहने वाले थे? तो फ्रेंड्स, जो हाल ही में ग्रेमी अवार्ड विजेता हैं 3 बार के, विल विदर, इनका निधन हो चुका है और ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। देखिए, आज हम आपको अमेरिका के क्वेश्चन ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि कोरोना के चलते अमेरिका अब चर्चा में है। सबसे ज़्यादा डेथ होने लगी है अमेरिका में इंसानों की। तो
इसके लिए जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको अमेरिका से ही ला रहे हैं। तो देखिए जो ये ग्रेमी अवार्ड विजेता हैं वीदर साहब, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और जो ग्रेमी अवार्ड है ये जो ग्रेमी अवार्ड है, फ्रेंड्स एक मिनट रुकना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ गई है। हाँ जी, जो ग्रेमी अवार्ड है ये संगीत क्षेत्र का एक तरह से कहें नोबल माना जाता है, संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। और इस अवार्ड की, जो ग्रेमी अवार्ड है, इसकी स्थापना 4 मई 1959 को हुई थी, और जो हाल ही में इसका 2020 में आयोजन हुआ था वो इसका 62वां, मतलब 62वां आयोजन था, और ये आयोजन समारोह अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था। और इसी लॉस एंजलिस में 62वें ग्रेमी अवार्ड समारोह में सबसे ज़्यादा जो ग्रेमी अवार्ड मिले थे वो दो व्यक्तियों को मिले थे। एक तो थी बिली इलेजा और दूसरा था लीजो। इनको पांच पांच अवार्ड प्राप्त हुए हैं अलग अलग श्रेणी में। और इसी के साथ आप बताएंगे, आपको आज का होमवर्क देते हुए हम चल रहे हैं कि आपका होमवर्क रहेगा, बिली इलीजा वे लीजो कौन है, ठीक है, और किस देश से संबंधित हैं। अगर हम यहाँ अगर अदर फैक्ट्स की बात कर लें फ्रेंड्स, तो अदर फैक्ट्स में आप देख पाएंगे, जो विली विदर साहब थे, इनकी जो पहली एल्बम आई थी, ये देखो इसकी विली विदर साहब है, इनकी पहली एल्बम का कई बार बैंक जो एग्ज़ाम होते हैं और एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, यूपीएससी में भी कई बार पूछ लिया गया है कि जो विदर साहब है इनकी पहली एल्बम का नाम और कब आई। तो इनकी जो पहली एल्बम है उसका नाम है जस्ट इज़ आई एम, जस्ट इज़ आई एम, 1771 में रिलीज हुई थी फ्रेंड्स। और इसी के साथ में अगर हम चाइना की बात कर लें, अगर अमेरिका की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति होंगे और वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी होगी, और इसी के साथ में यूएस डॉलर यहाँ की मुद्रा होगी। ऐसे ही अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना के जो राष्ट्रपति सी जिपनिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और मुद्रा यहाँ रनमिंबी या युआन जो है, अब आधिकारिक, पहले आधिकारिक जो मुद्रा थी वो युआन थी, लेकिन अब आधिकारिक नहीं है, अब जो आधिकारिक मुद्रा है चीन की वो रनमिंबी भी है। और इसके अलावा बीजिंग यहाँ की आपकी राजधानी बन जाएगी। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शन पर, तो फ्रांस, एलिफिल टावर फ्रांस में है, पेरिस यहाँ की राजधानी है, और जो यूरो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा हो चुकी है, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, और जो आपके जापान की जो मुद्रा है वो आपकी येन रहने वाली है। तो इसी के साथ ही अदर क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम सूची जारी हुई है, और उस सूची में भारत के पहलवान बजरंग पूनिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आप हमें बताएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा आप कमेंट्स करके बताएंगे, आपको हम फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, और हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसमें दूसरा, जो दूसरा इस सूची में दूसरा नंबर है वो बजरंग पूनिया ने हासिल किया है। पहले भी इनको यही, जो पहली सूची हुई थी उसमें भी यही नंबर प्राप्त था, और अब भी इनको यही नंबर प्राप्त है। और इसी के साथ में हम आपको एक छोटी सी फोटो उपलब्ध करवा रहे हैं बजरंग पूनिया, और इसके साथ में तो देखिए, पहले हम बजरंग पूनिया जी की बात कर लेते हैं। बजरंग पूनिया जी जो हैं वो इस श्रेणी में 65 किलोग्राम श्रेणी के खिलाड़ी हैं कुश्ती में, और 65 किलोग्राम श्रेणी में इनको दूसरा नंबर हासिल हुआ है। तो पहला किसको मिला है, तो पहला जो नंबर हासिल हुआ है वो गदफी मुराद, जो कि रसिया के एक रेसलर हैं, उनको प्राप्त हुआ है, और ये एक नंबर के खिलाड़ी इसमें
बने हैं गर्दी मुराद, रसिया के हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस की बात कर लें तो जो बजरंग पूनिया है वो हरियाणा से रिलेटेड हैं और पिछले ही वर्ष 2019 का खेल रत्न इन्हें प्राप्त हुआ था। इसी के साथ अगर हम दीपा जो मलिक हैं, खेल रत्न इनको भी मिल चुका है और इन दोनों को अलग-अलग कैटेगरी में और अलग-अलग खेलों में खेल रत्न दिया गया था। तो देखिए दीपा मलिक भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं और दीपा मलिक एक कहें तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, मतलब विकलांग खिलाड़ी हैं और ये शॉटपुट की खिलाड़ी हैं। शॉटपुट के अलावा ये जेवलिन थ्रो और तैराक भी हैं, तैराक में भी ये पार्टिसिपेट करती हैं। तो तीन खेल आप ध्यान रखेंगे जो इनको दीपा मलिक को जो राज्य खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया वो शॉटपुट के लिए दिया गया था, क्योंकि इन्होंने शॉटपुट में ही 2016 के पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। इसके अलावा जो आपके दीपा मलिक हैं इनको राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड और पहला ओलंपिक श्रेणी का खेल रत्न पुरस्कार और इसके अलावा पद्म श्री भी सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। अब हम अगर हल्की सी यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर खेल रत्नों की बात करेंगे तो जो खेल रत्न था वो पिछले वर्ष 2018 में ये विराट कोहली जो कि एक क्रिकेटर हैं और मीना बाई चानू जो कि भारोत्तोलक थी इनको दिया गया था। और सबसे पहले जो खेल रत्न दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को जो कि शतरंज खिलाड़ी थे और 1991-92 के समय ये इनको दिया गया था। आप यहाँ दीपा मलिक की भी फोटो देख सकते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ में इनको खेल रत्न जो दिया जा रहा है उसकी फोटो, सॉरी ये पद्म श्री की है, ये पद्म श्री सम्मान इनको दिया जा रहा है और रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये दिया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आज का रहेगा, हाल ही में ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? इसका कमेंट्स आप हमें बताएंगे उत्तर कमेंट्स कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में SEBI के सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच, राजीव कुमार या गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो आप हमें बताएंगे कमेंट्स कर कर कि किसके कार्यकाल को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर सेबी की बात कर लें तो सेबी की यहाँ पर फुल फॉर्म होगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स इससे संबंधित तो जो बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर ध्यान दे लेंगे कि सेबी की स्थापना के बारे में पूछा जाता है और बहुत से बच्चे इसको हमेशा गलत कर कर आते हैं। इसकी स्थापना 1988 में रही, आज आपका कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। स्थापना सेबी की 1988 में हुई, लेकिन जो सेबी को संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे 1992 में। तो बहुत से बच्चे इसको 1992 करके आते हैं, वो इसको ध्यान रखें 1988 में इसकी स्थापना और 1992 में सेबी को कानूनी या संवैधानिक अधिकार या दर्जा दिया गया था। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सेबी के वो हैं अजय त्यागी जी, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, अजय त्यागी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें माधवीपुरी बुच, तो माधवीपुरी बुच ही इसकी वो पूर्वकालिक सदस्य
चुनी गई हैं। इसके अलावा अगर राजीव कुमार जी की बात कर ले तो राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और नीति आयोग मोदी सरकार में इसका नाम बदलकर योजना आयोग से नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और इसी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहेगा हमेशा। और इसके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये कौन है? तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड हैं, NSE के हेड हैं। NSE के हेड की रूप में इनकी जो कार्य सॉरी इनकी जो पद था उसको हाल ही में इनको दिया गया है। और ये हाल ही में मतलब NSE के हेड बने हैं। इसके साथ में चलते चलते अपना आखिरी क्वेश्चन, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते किस संस्थान ने, देखिए आप लोगों को हमने हमारे पास तस्वीर उपलब्ध थी लेकिन हम क्षमा चाहेंगे आपको दिखा नहीं पाए, ये आपकी माधवीपुरी बुच साहब हैं, और माधवीपुरी बुच साहब को ही इसकी कार्य पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब हम आपको उपलब्ध कराते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, और वो रहेगा हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते किस संस्थान ने कम कीमत का प्राणवायु, नाम रहेगा प्राणवायु पोर्टेबल वॉलंटियर तैयार किया है। तो आप बताएंगे IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर या IIT बॉम्बे। तो आपको हम फोटो पे सबसे पहले फोटो उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये देखिए आपकी IIT रुड़की है। IIT रुड़की जो कि एक IIT के क्षेत्र में बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था ने ही इसको बनाया है, प्राणवायु वॉलेंटियर को, जो कि सबसे कम लागत का वॉलेंटियर है। और इसी के साथ में देखिए जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, इस COVID-19 का जो प्रभाव महामारी चल रही है, इससे लड़ने के लिए हमारी भारत की सभी IITs आगे आकर कुछ ना कुछ नए आविष्कारों के साथ में अपना योगदान इससे लड़ने में दे रही हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि प्राणवायु पोर्टेबल वॉलेंटियर की जो आविष्कार किया है वो IIT रुड़की ने किया है। अगर इसी के साथ में हम बात कर लें अपने IIT गुवाहाटी की, तो IIT गुवाहाटी ने COVID-19 के प्रभाव से जो बड़ी जगह हैं उनको सेटेलाइजेशन करने के लिए एक ड्रोन तैयार किया है। और इसके अलावा अगर हम IIT गांधीनगर की बात करें तो IIT गांधीनगर ने भी ISAAC एक पोर्टल तैयार किया था इस नाम से। तो 21 दिन का जो लॉकडाउन चल रहा है, उस 21 दिन के लॉकडाउन के चलते स्किल डेवलपमेंट में लोगों को मदद मिल सके, इसलिए इन्होंने ये पोर्टल तैयार किया था। और IIT बॉम्बे ने एक कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को ट्रैक करने हेतु एक ऐप बनाया है जिसका नाम है क्वारंटीन ऐप। और उस क्वारंटीन ऐप की निर्माण या उस क्वारंटीन ऐप को IIT मुंबई ने बनाया है, और इससे जो कोरोना वायरस क्षेत्र है उसको ट्रेस करने में मदद मिल सकेगी। और इस तरह से आज का हमारा ये सेशन पूरा होता है। चलते चलते आप लोगों से निवेदन कि अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक, अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी इसका फायदा दें। इसी के साथ में कमेंट और मोटिवेशनल कोट लिखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक्स और मोटिवेशन कोड और जो आपके कमेंट्स होते हैं वही हमारे शक्तिवर्धक दवा के रूप में काम करते हैं, जिससे हमें हौसला और उत्साहवर्धन होता है। और हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम अच्छे से अच्छा बेहतर वीडियो लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। गुरु ज्ञान अड्डा, नमस्कार।